स्वागत है हमारे संस्कार यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, 12th ओपन बोर्ड के पेपर आ चुके हैं, जिनमें से होम साइंस का पेपर मैं आपके पास लेके आई हूँ, जिसका पेपर कोड रहेगा 321। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर दिख रहा है रोल नंबर ऑप्शन। रोल नंबर के ऊपर हमें यहाँ अपना रोल नंबर फिल करना होता है। दूसरी जगह यहाँ दे रखा है परीक्षा का दिन और दिनांक, वहाँ पे हमें अपना परीक्षा का दिन और दिनांक फिल करना होता है। दूसरी जगह है निरीक्षकों के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको आपके एग्जामिनर आएंगे और अपना सिग्नेचर करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गृह विज्ञान के पेपर के ड्यूरेशन की, टाइमिंग की। ड्यूरेशन हमारी रहेगी, जैसे 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे आपको पेपर करने का, और दूसरा 80 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ए ऑप्शन है रिकेट्स, बी रतौंधी, तीसरा स्क्रवी और द बेरीबेरी। दूसरा क्वेश्चन है चावल का भंडारण करने में किन प्रयोग में लिया जा सकता है, ए नीम के पत्ते, ब विशेष आयुर्वेदिक गोलियां, स नमक एवं हल्दी घाटे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है लड़कियों में यौवन का पहला लक्षण क्या है, ए जांघ क्षेत्रों में बालों का उगना, ब स्तनों का उभार आना, मासिक धर्म की शुरुआत होना, दर्द स्वप्न दोष। चौथा क्वेश्चन है हड्डियों से कमजोर विकलांग बच्चे वे हैं जिन्हें समस्याएं होती है, ए बोलने में, द देखने में, स सुनने में, द चलने फिरने में। पांचवा क्वेश्चन है वृद्धि को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन है साधारण नमक एवं आयोडीन युक्त नमक में क्या अंतर है। सातवा क्वेश्चन है वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम लिखिए। आठवां क्वेश्चन है बाल श्रम से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन है हल्के एवं भारी कार्यों के 4 उदाहरण दीजिए। दसवा क्वेश्चन निवेश संस्थाओं के नाम लिखिए। ग्यारहवा क्वेश्चन है जन्म के पश्चात विकास की मुख्य 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। बारहवा क्वेश्चन है HIV और एड्स का पूरा नाम लिखिए। तेरहवा क्वेश्चन है आपका भाई बिस्तर गीला करता है तो आप क्या करेंगे। चौदहवा क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण के 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन है आप घर में आलू के चिप्स कैसे बनाएंगे। 16वां क्वेश्चन है अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की विशेषताएं लिखिए। 17वां क्वेश्चन है कामकाजी महिला के लिए सुबह से शाम तक की समय योजना बनाइए। 18वां क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट एवं सौर कुकर का चित्र बनाइए। 19वां क्वेश्चन है किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। 20वां क्वेश्चन है सूती वस्त्र से आप निम्न धब्बे किस प्रकार छुड़ाएंगे, ए घी, ब चाय। 21वां क्वेश्चन है आप सूती वस्त्र की धुलाई कैसे करेंगे। 22वां क्वेश्चन है तैयार परिधान का चुनाव करते समय आप किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। 23वां क्वेश्चन है वर्षा द्वारा भोजन पकाने की विधियों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में, ऑप्शन फर्स्ट हाउस कीपिंग यानी गृह व्यवस्था के बारे में। उसमें 24वां क्वेश्चन है सफाई क्या है, सफाई में काम आने वाली सामग्री एवं उपकरणों के नाम लिखिए। 25वां क्वेश्चन है कांच व प्लास्टिक को साफ करने की विधियां लिखिए। 26वां क्वेश्चन है पुष्प सज्जा के सिद्धांत समझाइए। सो प्लीज गाइज, आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार हमें देते रहिएगा। 24वां क्वेश्चन है डिज़ाइन को परिभाषित कीजिए, डिज़ाइन के प्रकार व डिज़ाइन छापने की विधियों के नाम लिखिए। 25वां क्वेश्चन है कढ़ाई के लिए आवश्यक उपकरणों का वर्णन कीजिए। 26वां क्वेश्चन है दैनिक जीवन में रंगों के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे गृह विज्ञान के 12th क्लास के ओपन बोर्ड के। तो इनकी अगर किसी को आंसर शीट चाहिए, किसी को आंसर चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जैसे आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड होना चाहते हैं, पूरी सूचनाएं उपलब्ध करना चाहते हैं, फाइल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दी गई है, वहां से लिंक कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।